मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ पर गायघाट के पास चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की सीएम ने ली जानकारी। पथ निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत और आला अधिकारी रहे मौजूद। आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस, लालू प्रसाद यादव ने पार्टी दफ्तर में किया झंडोत्तोलन, विरोधियों पर लालू प्रसाद यादव ने साधा निशाना। पार्टी कार्यकर्ताओं से लालू यादव की अपील, किसी भी दबाव में हमें झुकना नहीं है। जेपी आंदोलन की वजह से कांग्रेस का सफाया हुआ, लालू यादव ने की जगदानंद सिंह की तारीफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का विपक्षियों पर हमला, कहा हमें सत्ता से हटाने की साजिश हुई थी। हर क्षेत्र में आरजेडी का उल्लेखनीय काम, देश की अखंडता एकता में आरजेडी का योगदान। कार्यक्रम में बीजेपी पर बरसे लालू यादव, कहा मोदी सरकार विरोधियों पर करती है केस, मोदी सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं, विधायकों को खरीद कर बनाते हैं सरकार। जिसका चाहता केस करो, मुकदमा कर दो। अच्छा तो बढ़ती महंगाई को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा मोदी सरकार में सब्जियों के दाम छू रहे आसमान, जुल्म और अन्याय करने वाले लोग ठहरते नहीं। लालू ने केंद्र सरकार को खाड़ फेंकने का भी किया ऐलान। नीतीश जी की आवाज और उनके पाल पर देश भर के 17 पार्टी के नेता लोग आए थे, 17 पार्टी उपस्थित हुई थी, मैं भी था। और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुटे हैं उखाड़ के फेंकने में नरेंद्र मोदी, समझ लो। लालू यादव के केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने वाले बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन, कहा पीएम मोदी देश नहीं विदेशों में भी सबसे लोकप्रिय नेता। मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जो सपना देख रहे हैं उनका सपना अधूरा रह जाएगा। और भ्रष्टाचारी व्यक्ति, जेल वाला व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति मोदी को हटाने की बात करता है, उखाड़ने की बात करता है। लालू यादव के बयान पर जेडीयू ने किया समर्थन, बोली जेडीयू प्रवक्ता अंजुमारा, कहा बिहार मॉडल केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से करेगा बेदखल। देखिए बिल्कुल सही कहा है आदरणीय लालू जी ने, जिस तरह से विपक्षी एकता या बीजेपी के अधिनायकवादी मोदी जी की जो स्वभाव है, उनकी कार्यशैली है संविधान विरोधी, वो अब तक सारा उनका कार्य देख लीजिए, संघीय ढांचे पर प्रहार करती रही है केंद्र की सरकार। सुपौल में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 27वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया, केक काटकर और मिठाई बांटकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार में शिक्षा मंत्री और विभागीय एसीएस के बीच विवाद, के पाठक और को मंत्री चंद्रशेखर ने भेजा पीत पत्र, निदेशकीय स्तर के पदाधिकारियों को भी पीत पत्र, मंत्री के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी उठाए गए सवाल। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एक और मंत्री नाराज, शिक्षा मंत्री के बाद अब मंत्री रत्नेश सदा ने जताई नाराजगी। एसीएस के पाठक से नाराज रत्नेश सदा महादलित टोला सेवकों के लिए फरमान जारी करने पर नाराज। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की कार्यशैली पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने उठाए सवाल, बोले संतोष सुमन शिक्षा मंत्री से नहीं संभल रहा विभाग, सीएम नीतीश कुमार से की शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। तो कहीं ना कहीं सिस्टम क्रैश हो जाता है, और इसका बेहतरीन उदाहरण है अभी कि आप शिक्षा मंत्री अपने पदाधिकारी के खिलाफ पीत पत्रों को जारी करना पड़ा। इसका मतलब है कि काम का स्तर और कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं एकदम खत्म हो चुका है, सिस्टम को कोलैप्स हो गया। और ऐसे शिक्षा मंत्री को या ना रहे या एसीएस को हटाया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ही कहूँगा कि या शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए या एसीएस को हटाइए। लैंड फॉर जॉब मामले में ललन सिंह का बड़ा बयान, तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए हो रही कार्रवाई, तेजस्वी के खिलाफ साक्ष्यों से सीबीआई कर चुके इनकार। हो रही है वो दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है, उन पर जो कार्रवाई जिस मामले में हुई है, दो बार सीबीआई ने कह चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, दोबारा दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है बदले की भावना से। नीतीश कुमार को बहरूपिया कहने वाले सम्राट चौधरी के बयान पर घमासान, जेडीयू ने कहा सम्राट से वामपंथी दल और कांग्रेस ही बची।
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का सम्राट चौधरी पर हमला, सम्राट के नीतीश पर बयान का नीरज कुमार ने दिया जवाब। नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी की डिग्री पर उठाए सवाल, सम्राट चौधरी से पूछा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का पता बता। हमको उम्मीद लगता है कि आपको ज्यादा स्पष्टता के साथ यह बताना चाहिए कि कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय कहाँ है जहाँ से आपने डीलिट की डिग्री ले लिया। IMU में कहाँ से पास किया, जरा ये भी बता दीजिएगा ना लोगों को, ये आज तक बताते नहीं हैं। डीलिट की डिग्री इन्होंने ले लिया कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय से, जैसे पटना का दियारा है ना, वैसे ही वहाँ एक आइलैंड है और वहीं से ही डिग्री वहीं कमरे में चलता है और उससे ही डिग्री ले लिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में। श्रवण कुमार ने बीजेपी पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का भी लगाया आरोप। लोगों को तो जानकारी मिल रही है कि भाजपा इनकी टूट में है, कि भाजपा के जितने कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, चाहे आदरणीय रविशंकर जी हों, आदरणीय नंदकिशोर जी हों, आदरणीय प्रेम कुमार जी हों, आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी हों, कि जितने बड़े नेता थे सबको संटिंग में कर दिया, यानी बोगी के आखिरी में वो चढ़ेंगे, जगह मिलेगा तो चढ़ेंगे, नहीं तो हुए पड़े रहेंगे। तो भाजपा में खुद घुटन वो लोग महसूस कर रहे हैं, और कब भाजपा को तोड़ करके वो निकलेंगे वो तो भाजपा ही को पता होगा। संतोष सुमन ने सुशील मोदी का किया समर्थन, तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। संतोष सुमन ने जीतन राम मांझी का दिया उदाहरण, कहा जीतन राम मांझी ने आरोप लगने पर दिया था इस्तीफा। मैं सुशील मोदी जी का समर्थन करता हूं, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मंत्री बनाए गए थे नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में, और उन पर एक चार्ज था, आरोप था, और वो आरोप के कारण तुरंत एक घंटे के अंदर इस्तीफा उन्होंने जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया। नीतीश कुमार जी को फैसला करना है कि तेजस्वी यादव जी पर जब चार्जशीट हो गया है तो इतना हिम्मत जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से मांग करते हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। मंत्री रत्नेश सदा ने विपक्ष पर साधा निशाना, संतोष सुमन को वाई प्लस सुरक्षा मिलने पर कहा संतोष सुमन को वाई प्लस सुरक्षा नहीं, झुंझुना मिला। उसको झुंझुना दिया है दिखाने के लिए, देखो हमरे साथ आया तो तुमको कितना हम सुरक्षा दे रहे हैं। जीतन राम मांझी पर भी रत्नेश सदा ने बोला हमला, कहा सीएम नीतीश के साथ है मांझी समाज के लोग। मंत्री रत्नेश सदा ने सुशील मोदी पर कसा तंज, कहा 2024 में बीजेपी का सफाया तय। पटना में स्वर्गीय रामविलास पासवान की बनाई गई जयंती, LJP कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दी श्रद्धांजलि। जयंती समारोह का आयोजन कर महद दलित और दलित सेना को बुलाया। मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है, पहले चिराग पासवान जी से आप पूछिए, चिराग पासवान किस गठबंधन में है, हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा मैं स्वागत करता हूँ, आबे लड़ाई होगी उसकी जमानत जब्त हो जाएगी हाजीपुर से, लेकिन पहले उससे ये पूछिए तो NDA गठबंधन में है या UPA गठबंधन में। पटना में एक हफ्ते में ट्रैफिक पुलिस ने काटे 1 करोड़ के चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर काटा गया चालान, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक कटा चालान। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर बुड़को लापरवाह, पटना के कई इलाके में कूद कर गड्ढे छोड़े गए, गड्ढों की वजह से आए दिन लोगों को हो रही परेशानी, लोग हो रहे हादसे का शिकार, बारिश होने के बाद से गड्ढों में भरा है पानी, बुड़को को लेकर लोगों में नाराजगी। बिहार में ठनका गिरने से 13 लोगों की मौत, घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। झारखंड में और दुरुस्त होगी स्वास्थ्य सुविधाएं, सीएम सोरेन ने 206 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, 38 डेंटिस्ट को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र, ममता वाहन आयुष्मान मुख्यमंत्री, गंभीर बीमारी उपचार योजना का मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च। रांची में आदिवासी संगठन UCC के विरोध में राजभवन के सामने किया प्रदर्शन, UCC के विरोध का किया ऐलान, कहा 30 जुलाई को पूरे देश में आदिवासी झारखंड में जुटेंगे। आदिवासी संगठन ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, बोले जबरदस्ती कानून लागू करने पर मणिपुर बन सकता है झारखंड। आने से 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची समता जजमेंट पेशा कानून पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, साथ ही
जो हमारा झारखंड में जो कानून है जमीन कानून CNT एक्ट SPT एक्ट साथ ही जो हमारे पहन पुरोहित से पूजा पाठ करते हैं तलाक व्यवस्था है सब एक धर्म एक जात का आएगा तो हम समझते हैं कि आदिवासी का जो विशेष रूप से कानून दिया गया है वो समाप्त हो जाएगा इसीलिए इसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरायकेला में तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला सभी 10 दोषियों को 10-10 साल की सुनाई सजा 2019 में चोरी के आरोप में तबरेज की हुई थी हत्या कोर्ट के फैसले से मृतक की पत्नी नाखुश फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का किया ऐलान मंत्री बनने के बाद पहली बार बोकारो पहुंची बेबी देवी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर क्या माल्यार्पण पर मंत्री बेबी देवी के साथ कई नेता रहे मौजूद हजारीबाग सड़क हादसे पर सीएम ने जताया दुख ट्वीट कर सीएम सोरेन ने लिखा सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत से मन आहत परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता रांची में आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया स्थापना दिवस पर आरजेडी नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ने का लिया संकल्प पार्टी को मजबूत करने पर दिया गया जोर गोड्डा जिला मुख्यालय के +2 विद्यालय के 24 छात्र पहुंचे थाने प्रिंसिपल पर TC नहीं देने का लगाया आरोप प्रिंसिपल पर इस स्कूल में पढ़ने का दबाव बनाने का लगा रहे आरोप थाना प्रभारी ने प्रिंसिपल से बात कर TC दिलवाने का दिया आश्वासन सर वो स्कूल में एडमिशन दिया थे और हाँ। प्रिंसिपल सर सिग्नेचर कर दिया एप्लीकेशन में और बोल रहे हैं अभी TC नहीं मिलेगा तुम लोग अभी बोर्ड पास किए हो हाँ, हाँ। तो अब क्या हाँ चाह रहे हो पढ़ना दुमका या देवघर में एडमिशन लेंगे NCC के लिए भी सर्टिफिकेट के लिए तो मैंने जैक बोर्ड से पढ़ना चाह रहा हूँ और यहाँ अब CBSE हो गया तुम लोग CBSE पढ़ना नहीं चाह रहे हो सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके में मछुआरों के अतिक्रमण का मामला पहुंचा कोर्ट मछुआरों पर नाले के ऊपर घर बनाकर सड़क अतिक्रमण का आरोप CO के निर्देश पर हटाया जाएगा अतिक्रमण आपको लगता है कि पहले भी लोग आवेदन वगैरह दिया होगा आपको जानकारी नहीं है लेकिन इन लोग का 107 हुआ होगा तो बोल रही है कि हम लोग मारपीट दोनों में हुआ क्या नहीं मारपीट वगैरह हुआ है बस इसी तरह वैसा वैसी गोपालगंज में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन गंडक नदी में नाव से शराब की तस्करी कर रहे 3 नाव को पुलिस ने किया जब्त 1200 पेटी अवैध शराब बरामद तस्कर फरार जादवपुर थाने के विशुनपुरा गांव में हुई कार्रवाई हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि यूपी के रास्ते से शराब लाई जा रही है गंडक नदी से हम लोगों ने तुरंत ही एक SIT का गठन किया और रात्रि में लगभग 2-3-4 बजे के आसपास हम लोगों ने एक नाव को जब्त किया जिसमें लगभग 1200 लीटर शराब कैरी किया जा रहा था और उसमें साथ ही साथ कुछ लोग भी थे जो कि पानी में कूद कर तैर के वहाँ से फरार हो गए इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSB की बड़ी कार्रवाई पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी में SSB जवानों ने प्रतिबंधित औषधि किया जब्त आरोपी मौके का फायदा उठाकर हुए फरार समस्तीपुर के चकमहसी थाना इलाके में 51,000 रुपए के लिए नवविवाहिता की हत्या पुलिस ने शमशान घाट से शव किया बरामद परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप ससुराल वाले घर छोड़कर हुए फरार शेखपुरा में पैसे के लेन देन को लेकर जीजा और साले ने जमकर मारपीट दोनों घायल सदर अस्पताल में चल रहा इलाज 6 लाख रुपए को लेकर हुई मारपीट कुंडा पथरेटा गांव का मामला बेगूसराय में अपराधी हुए बेखौफ बलिया थाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक कुमारी गोली गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती देर रात दोनों पक्षों में हुआ था झगड़ा देवघर के जसीडी के इंडस्ट्रियल एरिया में ब्लास्ट काम करने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट से हड़कंप धमाके में एक मजदूर की मौत एक घायल गैस की पाइप में आग लगने के बाद हुआ हादसा जम्मू के लक्ष्मीपुर थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी कुख्यात अपराधी महेश साव को पुलिस ने किया गिरफ्तार महेश साव पर दर्ज है कुल 9 मामले कटिहार के मनिहारी पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार ननवा बगंज से हुई आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर भेजा जेल अरवल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी पटना और अरवल के कई थानों में मोस्ट वांटेड विकास यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार विकास पर बिहार के अलग अलग जिलों में लूट डकैती और हत्या के प्रयास का है मामला दर्ज रामगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर पतरातू थाने के कटुआ कोच मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत गुस्साए लोगों ने पतरातू रांची मुख्य सड़क को किया घंटों चार रांची के तमाड़ में बिजली के तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत मृतक देवड़े मंदिर में बेचता था फूल स्थानीय लोगों का आरोप बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान
कैमूर के सोनहर में सांप के काटने से एक शख्स की मौत, परिजनों में पसरा मातम, मृतक मजदूरी कर युवक परिवार का भरता था पेट। जमुई के झाझा थाने के दीघरा गांव में एक महिला को सांप ने काटा, सांप काटने से हुई महिला की मौत, गांव में ही झाड़फूंक कराने के बाद बिगड़ी तबियत, सदर अस्पताल पहुंचते गई जान। बेगूसराय में गोली मारकर युवक की हत्या, आपसी रंजिश में बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी, सिंगौल थाना इलाके की घटना। बेगूसराय में जमीन विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, इलाज के दौरान घायल युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर में 2,50,000 की चोरी, बदमाशों ने बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए रुपए, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, सरदारगंज चौक के पास की घटना। मधेपुरा के रतवारा में 6 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 5 गोली और 1 एयरगन बरामद, गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बोकारो में युवक ने महिला पर चाकू से किया हमला, हमले में महिला गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, गोमिया थाना इलाके की घटना। जमशेदपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गोलीबारी में युवक गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी, गोविंदपुर थाना इलाके की घटना। गोपालगंज में पुलिस ने कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह को किया गिरफ्तार, टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल था विक्रम सिंह, विक्रम सिंह पर हत्या, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले थे दर्ज। नालंदा में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिछले महीने महिला की हुई थी शादी, ससुराल वालों पर लगा दहेज हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी, दीपनगर थाना इलाके की घटना। गोपालगंज में नदी के रास्ते लाई जा रही शराब जब्त, पुलिस जादोपुर के दियारा से 39 कार्टन शराब बरामद की, मौके से शराब तस्कर फरार, यूपी से लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। शेखपुरा में मामूली बात को लेकर विवाद, दबंगों ने लाठी डंडे और रॉड से दंपति की पिटाई की, घायल दंपति को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, अरियरी थाने के सानोहरा गांव की घटना। आरा में 3 दिन से लापता युवक का तालाब में मिला शव, युवक का शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज के 3 पहाड़ इलाके से युवक लापता, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत, पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी। सुपौल के कारोबारी की पूर्णिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज, नगर थाना इलाके की घटना। कटिहार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बाइक चोरी का किया खुलासा, 2 अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चूना गली से चोरी हुई थी बाइक। जमशेदपुर में शरारती तत्वों ने 2 वाहनों में लगाई आग, गोलमुरी में बीजेपी नेता की कार में लगाई आग, सोनारी में शरारती तत्वों ने कार को किया आग के हवाले, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर के मोहनिया में गिरी आकाशीय बिजली, वज्रपात से 1 बुजुर्ग की मौत, 3 बच्चियां गंभीर रूप से झुलसी, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मगध रेंज के आईजी चित्र नील सिंह ने जहानाबाद पुलिस लाइन में जवानों से संवाद, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच दूरी घटाने पर जोर, पुलिस कर्मियों के लिए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश। कटिहार के बरसोई अनुमंडल अस्पताल में आशा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, विधायक महबूब आलम के आशा कर्मचारियों की मांगों को सीएम तक पहुंचाने के आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन, ₹10,000 वेतन की मांग, 12 जुलाई से हड़ताल का ऐलान। मोतिहारी नगर निगम के खिलाफ नागरिक समिति ने दिया 1 दिन का सांकेतिक धरना, वार्ड नंबर 15 और 20 में सफाई कार्य नहीं होने से नाराज, कूड़ा उठाव से आनाकानी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। रामगढ़ में चोरी के डर से खोला गया सोलर सिस्टम नहीं होने से पानी सप्लाई बंद, पानी के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण, पतरातू प्रखंड के देवरिया का मामला। पाकुड़ में ग्रामीणों ने राशन कार्ड डीलर के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रखंड कार्यालय में डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, 2 महीने से राशन नहीं देने का लगाया आरोप, आपूर्ति अधिकारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। बिहार और झारखंड में आसमान पर टमाटर के दाम, पटना मंडी में 100 से 140 रुपए किलो बिक रहे टमाटर, रांची में भी लोगों की थाली से गायब हुआ लाल टमाटर। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मार्शल आर्ट फाइटिंग में देश का नाम रोशन करने वाले फाइटर श्यामानंद का सासाराम में हुआ जोरदार स्वागत, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के सचिव गोविंद नारायण सिंह ने किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मार्शल आर्ट फाइटिंग प्रतियोगिता में मिस्र के विटो मोहम्मद को श्यामानंद ने किया था पराजित। समस्तीपुर में बाढ़ की तैयारी में जुटे कल्याणपुर प्रखंड के लोग, बड़े पैमाने पर ग्रामीण नाव का कर रहे निर्माण, बागमती नदी में उफान से गांव में बाढ़ की आशंका। अररिया में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का असर, बस स्टैंड के जीर्णोद्धार का काम शुरू, बस स्टैंड पर गिराई जा रही थी ईंट पत्थर, कीचड़ और जल जमाव की दिखाई गई थी खबर।
लोहरदगा में जिले में चल रहे विकास कार्यों का किया गया निरीक्षण। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की टीम ने लिया जायजा। अवैध खनन की शिकायत पर लिया संज्ञान। जमशेदपुर में डीटीओ ऑफिस में विदाई समारोह का आयोजन। ट्रैफिक के डीएसपी कमल किशोर के ट्रांसफर पर कार्यक्रम। समारोह में कई विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। धनबाद में प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी। पुलिस की मौजूदगी में हुई शादी। नवादा से प्रेमी के पास पहुंची प्रेमिका। प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की लगाई गुहार। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आज दूसरा दिन। भक्त उत्तर वाहिनी गंगाजल भरकर बाबा बद्रनाथ धाम की ओर पहुंचे। श्रद्धालुओं की टीम पहुंच रही। यूपी के चित्रकूट से आए दिव्यांग कांवड़िए भी जल भरकर देवघर के लिए रवाना। सुपौल के छातापुर से कांवड़ियों का जत्था देवघर के लिए रवाना। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर सभी कांवड़िए पैदल जाएंगे देवघर। इस दौरान बूल बम के जयकारे से पूरा इलाका शोमय दिखाई देगा। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही गुमला के शिवालयों के साथ ही आंजन धाम पर भी उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। हनुमान जी भी शिव के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा आंजन धाम। लखीसराय के रामसीर गांव में श्री श्री 148 घंटे का रामधुनी का आयोजन। 501 कुंवारी कन्याओं ने रामसीर गांव में पैदल चलकर जलप्पा स्थान पर किया अभिषेक। इस दौरान लोग शिव भक्ति में नजर आए। बाढ़ में पहली बारिश ने नेशनल हाईवे 80 की खोली पोल। मुहकामा से मुंगेर जाने वाली सड़क झील में तब्दील। लोगों को हो रही परेशानी। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटाव शुरू। कटाव से भागलपुर के फरका गांव के लोगों में दहशत। किउल नदी से जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों की बड़ी मुसीबत। दलित समुदाय के लोगों को बेघर होने का सतारा डर। प्रशासन से बेहतर स्थिति करने की मांग। चुनाव आयोग पहुंची एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई। शरद अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में दाखिल की अर्जी। अजीत पवार गुट भी लोगों से भरवा रहा है एफिडेविट। छगन भुजबल बोले लोग अपनी मर्जी से लिख रहे। सुप्रिया सुले ने अभी कुछ भी बोलने से किया इनकार। कहा हमें अपना काम करने दीजिए। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। कहा कभी भी बदल सकते हैं सीएम। मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर लगे दो इमोशनल पोस्टर। लिखा 83 साल की योद्धा को अकेले छोड़ा। 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों के तूफानी दौरे पर पीएम मोदी। यूपी छत्तीसगढ़ तेलंगाना और राजस्थान में करेंगे चुनावी शंखनाद। केंद्रीय कैबिनेट के बाद हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। पिछड़े और दलितों को तरजीह मिलना संभव। दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन। कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एक्शन। आतंकियों के ठिकाने पर SIU ने की छापेमारी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची जैकलीन। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पेश। दिल्ली में अगले 6 महीने तक बिजली कर्मियों की हड़ताल पर लगी रोक। उपराज्यपाल ने बिजली से जुड़ी सेवाओं को जरूरी मानते हुए लगाई रोक। महंगी सब्जियों से फिलहाल राहत नहीं। दिल्ली के आजाद पर सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमत आसमान छूती नजर आ रही। उत्तर प्रदेश में भी महंगी हुई सब्जियां। कई जिलों में टमाटर 100 रुपए के पार। नोएडा में भी सब्जियों ने बिगाड़ा बजट। 150 से 160 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। वेस्ट बैंक के जोनन में इजराइल की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में 12 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। अमेरिका के शिकागो में वायरल हुआ वीडियो। ड्रोन कैमरे में कैद हुई अवैध आतिशबाजी। अमेरिका में फेस्टिवल के दौरान चला बड़ा हादसा। काफी ऊंचाई पर बंद हुआ एक रोलर कोस्टर। यूक्रेन के खार्किव में बड़ा धमाका। देर रात धमाके से दहला पूरा शहर। पेरू में सक्रिय है उबिनास ज्वालामुखी। विस्फोट के साथ निकल रहा लावा और जहरीला गैस।